ये तो पंप डैमेज कर जाएगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है, आप रोकने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा रुकेगा एक हद तक, ये नहीं कि पूरा पूरा, एक हद तक रुकेगा, रुकेगा थोड़ा सा, पंप का स्पीड फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कंपनसेशन होता है उसमें। तो जिसमें होता है वो पॉजिटिव तो नहीं रहा, नन पॉजिटिव हो गया, इस हिसाब से समझिए आप। आगे फिर डिस्कस होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाएगा दिमाग में। कहता है कि व्हाट इज पॉजिटिव हेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपने कभी कभी देखा होगा कि तालाब ऊपर है या पानी ऊपर है, यहां से पानी हम ले रहे हैं और पंप कहाँ है, नीचे है। यहां तालाब है, यहां पंप है नीचे, और फिर डिलीवरी पाइप घूम करके और ऊपर गया है। ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन होता है। एक तो आपने वैसा देखा जो घर में हैंडपंप से पानी निकालते हैं, सीधा पानी नीचे है, सीधा पाइप में ऊपर आया और पंप सीधा इसको और ऊपर कर दिया। एक तो वो केस होता है, और दूसरा केस ही होता है कि यहाँ पर तालाब है और पंप थोड़ा नीचे लगा है, तो यहां से लिया, पहले तो नीचे ले आया पंप, और नीचे ले आकर के फिर डिस्चार्ज पाइप के थ्रू काफी ऊपर तक पहुंचा दिया। तो इस टाइप के सिचुएशन में जो हेड होगा ना, उसको हम पॉजिटिव हेड कहते हैं। क्यों कहते हैं बता दें, देखिए हमेशा अगर यही अगर वाटर रिजर्वर का लेवल ऊपर ना होकर के नीचे होता, पंप के आई, पंप का जो आंख है जिस शाफ्ट से जहां इंपेलर अटैच है उसको पंप का आई कहते हैं, अगर वाटर रिजर्वर का लेवल उस आई से नीचे है तो निगेटिव हेड कहेंगे, और अगर सम्प का लेवल, वाटर रिजर्वर का लेवल उस आई से ऊपर है, पंप के आई से ऊपर है, तो उसको पॉजिटिव हेड कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलीफ वाल्व कहां पर यूज होता है और फुट वाल्व कहां पर यूज होता है। रिलीफ वाल्व कहां यूज होता है, किस पंप में यूज होता है, फुट वाल्व कहां यूज होता है और किस पंप में यूज होता है, ये नेट में भी पूछता है, गेट में भी पूछता है, एई और जेई में तो पूछ ही सकता है, एसआरएफ जेआरएफ में सब में पूछता ही पूछता है। एक साल में चार एग्जाम दीजिए तो चारों में किसी एक में तो पूछ ही देगा। तो याद रखिए, रिलीफ वाल्व रिलीफ देता है किससे, प्रेशर से। आपको बोले ना कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज रेट सॉरी प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर उस प्रेशर से हमको पानी नहीं चाहिए, थोड़ा कम प्रेशर चाहिए ना, तो डिलीवरी पाइप में एक वाल्व लगा होता है जिसको घुमा करके हम प्रेशर को कम कर देते हैं। तो याद रखिए, रिलीफ वाल्व हमेशा रेसिप्रोकेटिंग पाइप में, हमेशा रेसिप्रोकेटिंग पाइप में, और किस जगह पर, तो डिलीवरी पाइप में, सक्शन में नहीं, डिलीवरी में। फुट वाल्व कहां पर यूज होता है, तो हमेशा और हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होता है, और सक्शन लाइन में सबसे नीचे यूज होता है। क्यों यूज होता है, यह तो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच प्रेशर क्रिएट एट द आई ऑफ इंपेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के आई पर, आई मतलब जहां शाफ्ट है और जिस शाफ्ट से इंपेलर अटैच है उसको आई कहते हैं, आंख, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है कि हाई प्रेशर। क्या क्रिएट होता है, तो कोई तो बोलेगा अंदाजे लो प्रेशर हाई प्रेशर, दो में से कोई एक भी लड़ ही जाएगा। तो देखिए, पंप मान लीजिए हमारा धरती के सरफेस पर रखा हुआ है, और सक्शन पाइप नीचे कहां गया है, ग्राउंड वाटर तक। अब बात आइए करिए वायुमंडलीय दाब की, तो छत पर भी वायुमंडलीय दाब वही है, यहां नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी वही है।
और अगर 10 मीटर और नीचे चले गए जमीन में तो भी वायुमंडलीय दाब वही है। इतनी दूरी में वायुमंडलीय दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां भी 1 ATM, यहां भी 1 ATM और 10 मीटर नीचे भी 1 ATM। अभी पंप चल नहीं रहा है तो पंप के आई पर कितना प्रेशर है? 1 ATM का वायुमंडलीय दाब। नीचे जहां ग्राउंड वाटर है उसके लेवल पर, ग्राउंड वाटर के ऊपरी लेवल पर कितना प्रेशर है? वहां भी 1 ATM, दोनों जगह 1 ATM। और दिमाग अगर काम कर रहा है तो आप सोचिए कि पानी फ्लो कब करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर करता है ना, लो से हाई की ओर तो नहीं करता ना, हाई से लो की ओर करता है। तो यहां भी 1 ATM है पंप के आई पर और नीचे ग्राउंड वाटर के लेवल पर भी 1 ATM है। रिसर्च यही ना है कि पंप एक ऐसा मशीन है जो प्रेशर को कम कर देता है। यहां 1 ATM था तो 1 ATM से घटा के चलिए 0 कर दिया और नीचे कितना कर दिया? नीचे तो ऑटोमेटिक 1 है, वायुमंडलीय दाब है। तो 0 और 1 तो कौन हाईअर हो गया? नीचे ना, ग्राउंड लेवल हाई हो गया और पंप का आई पर 0 प्रेशर, ये लो हो गया। तो पानी के फ्लो करने की संभावना बन गई ना, बनी कि नहीं बनी? लो है ऊपर और नीचे है हाई, तो नीचे से ऊपर फ्लो करेगा ना। चलिए अगर अभी भी नहीं कर रहा है तो थोड़ा और कम करिए। तो 0 से जब नीचे करिएगा तो निगेटिव ही तो करिएगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ पंप है धरती के ऊपर, जमीन के नीचे तो आप जा नहीं सकते घुस के प्रेशर को बढ़ाने वहां कि वहां बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए और यहां 1 ही ATM रहेगा, अपने आप आ जाएगा। आप तो यहीं पर कुछ कर सकते हैं ना भैया, तो आपको पता है कि नीचे 1 ATM है तो यहां क्या करिएगा? कम करिएगा ना 1 से, तो कम करने के लिए आपने पंप लगा दिया, कम से कम पंप और कम किया और कम किया और कम किया, करते करते जब 0 से नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, जितना कम करिएगा उतना ही रफ्तार से पानी आएगा। तो जाहिर सी बात है पंप के आई पर निगेटिव प्रेशर होता है, तभी हमारा पानी फ्लो करता है। इसके बाद देखिए क्या कहा है, कह रहा है NPSH का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, कभी कभी दे देगा नेट पॉजिटिव डिस्चार्ज हेड, और कुछ दे देगा नहीं, NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है ये बोर्ड पर बताना पड़ेगा, हो जाएगा क्लियर? 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे ना, इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट कि विच पंप इज एग्जांपल ऑफ रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप, रोटरी। तो पहले ही हमने आपको बता दिया था कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को ही रोटरी पंप कहते हैं, और उसके एग्जांपल है रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप, वेन पंप, ये सब क्या करते हैं? हाई प्रेशर देते हैं। उनके पाइप पर अगर आप ट्रैक्टर का चक्का और मोटरसाइकिल का चक्का और साइकिल का चक्का चढ़ाइएगा ना तो डैमेज होने का संभावना है, पाइप फट जाएगा या पंप बिगड़ जाएगा। वो सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है जो दे रहा है डिस्चार्ज इस रेट से दे रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल वाला क्या है? नॉन पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत दबाव भी पड़ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव में तो वही यूज होता है, इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल पंप मोस्टली यूज हो रहा है। रेसिप्रोकेटिंग पंप वहां यूज होता है जहां पर एक्यूरेसी की जरूरत होती है, जैसे पेट्रोल आ रहा है ना गाड़ी में, अगर 4000 लीटर पेट्रोल आ रहा है तो आपको 4100 लीटर थोड़ी ना दे देगा, या 4000 से 50 लीटर फालतू थोड़ी ना देगा, 4000 का 4000 लीटर आपके गाड़ी में भर के आएगा। वो 4000 लीटर कैसे नापते हैं सब? उसको नापने के लिए यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, बड़ा एक्यूरेट डिस्चार्ज देता है, बड़ा उसका हिसाब किताब पक्का है। अगर 1 सेकंड में 20 लीटर दे रहा है तो 1 सेकंड में 20 ही लीटर देगा, 20.1 नहीं देगा, 19.9 नहीं देगा, बहुत पक्का है हिसाब किताब का रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसीलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कभी कम नहीं देगा न कभी ज्यादा देगा। तो इस हिसाब से अगर 1 सेकंड में 20 लीटर दे रहा है, 4000 लीटर हमारे गाड़ी में भरना है तो कितना देर तक पंप का स्विच ऑन होना चाहिए? बस उतना ही टाइम तक ऑन रहेगा, उसके बाद आओ आपके गाड़ी में 4000 लीटर भर गया। तो जहां पर एक्यूरेसी होती है ना, एक्यूरेसी की जरूरत, वहां पर रेसिप्रोकेटिंग पंप, जहां एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है
और क्राइटेरिया हैं, ऐसा नहीं है एक कोई हार्ड फास्ट नहीं है, और सारे क्राइटेरिया हैं। तो आगे क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हुआ, आगे क्वेश्चन अगले एपिसोड।